नहीं रितु अब मैं ये बात शैतान करी नहीं मैंने घूमी घूमी गया यार कहाँ गए थे भाई आज रिद्धि पहली बार अपने पापा के साथ स्कूटी में बैठी स्कूटी में घूम के आई है ये क्या ये हर्षो सुबह सुबह ये दूध लेने जाते हैं ना तो जा रहे थे तो रोने लग गई तो ये इसको स्कूटी में बैठा के ले गए आज हटो हटो आओ आज कब नहीं मैं खड़ी इसको पता आप इसको नहीं लेके गए कल चलेंगे अपन ठीक है नहीं अभी घुमा के ला ये बैठा के लेके गए पीछे हर्षु हर्षु उनके बीच में ये रिद्धि रिद्धि मजा आया ओ नहीं 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 उसको क्यों मारना है गुस्सा आ रहा है इसको ले ले हर्षु को दी ले ले बेटा हेलो एवरीवन तो अभी तक ये मेरी पहली कॉफी है जो हम हमारी एक्सटेंडेड बालकनी में पी रही हूँ मैं अभी ऊपर आए थे ये प्लांट्स को पानी दे रहे हैं और रुद्र भी ऊपर खेल रहा है यहाँ पे हमने ये प्लांट्स रख दिए सामने अच्छे लग रहे हैं ना अभी तो जुगाड़ के तौर पे रखे हैं और आपने सब सही नहीं रखे कैसे यहाँ पे तो मैं सिटिंग एरिया बनाने वाली हूँ यहाँ पे ना झूला लाऊंगी इस कॉर्नर में तो अच्छा और प्लांट इधर नहीं आएंगे ये तो इधर आएंगे प्लांट्स किस वाली में और जहाँ ये रैक रखा है ना आपने इधर प्लांट्स यहाँ पे पर यार सामने भी अच्छे लगते हैं प्लांट्स तो सामने नहीं है सामने तो आप बाहर को देखना चाहो खेल रहे बच्चे फिर तो पूरे ब्लॉक हो गया एरिया अब हमारी यही लड़ाई चल रही है सुबह से कि यहाँ पे प्लांट्स रखे कि नहीं रखे तो आप लोग कमेंट में बताना कि यहाँ बाल यहाँ पे मतलब ये जो रेलिंग है ना इसके पास में पेड़ पौधे रखने नहीं रखते ताकि आप व्यू एंजॉय कर पाओ इसलिए हम रेलिंग लगाते हैं उसके मतलब आप रखना भी चाहो तो गैप कर करके एक एक ऐसे रख दो तुम तो लाइन से रख दी पूरा जंगल से रख दिया फिर भी रख लेना तो बन नहीं बारिश वारिश आप एंजॉय करना है नीचे देखना है थोड़ा सा चाय शाम का टाइम है नीचे कूदना भी है नीचे छलांग नहीं लगानी नीचे कूदना भी पड़े तो पेड़ों को पेड़ टूटेंगे सीधे रेलिंग पे पैर रखो सीधा नीचे कूद जाओ पेड़ अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे कमेंट में बताना भाई साहब कहीं अंडर पेड़ रखा नहीं रखा तो अभी मैं ऊपर ये मेरा रूम है आप लोगों ने पहले भी देखा था तो अभी तो ऐसे दिखा देती हूँ इसमें दिखाने में कुछ नहीं है तो हमने ये वाला पेंट कराया इस बार मतलब जैसा हमको चाहिए था वैसा नहीं हुआ बट अब सब जो बना बोले मेरे को बार बार नहीं होगा अब जो हो गया ठीक है इसको डेकोरेट कर देंगे ये मेरा बेड वगैरह सब ऐसे ही फैला हुआ है तो इस वाले रूम को हम कल या आजकल में सही करेंगे क्योंकि ऊपर का सब काम हो चुका है बस हम लोग ही पता नहीं क्यों वेट कर रहे हैं ये मैं हूँ ऊपर और ये मेरा पूरा हॉल जो बिखरा हुआ है सोफों पे सबसे चीज़ें मैंने कवर लगा के रखा था एक पे नहीं रखा था क्योंकि क्या हाल हो गया बट ठीक है कर लेंगे और अभी हम मैं और निको ऐसा इसलिए ऊपर आए थे निको ऐसा रिद्धि का एयरबड लगा के हम ऊपर इसलिए आए क्योंकि ये जो जितने भी कर्टेन्स रखे ना हॉल और रूम के बहुत ज़्यादा गंदे तो ये हमें हमारी जो धोबन आंटी है ना उनको देना है ड्राई क्लीन के लिए तो अब वो तो ऐसे लेके नहीं जाएंगी हमें फोल्ड करके देना ही पड़ेगा ना तो हम ये सब करने आए कि पर्दे वगैरह फोल्ड करके ऊपर रख देते हैं तो आंटी ले जाएंगी धोने के लिए लो उन्हीं कैसे करते हैं और यहाँ मेरा ड्रेसिंग वगैरह सब ऐसे रखा है ये हमारी यहाँ पे पूरी बड़ी विंडो थी वो बंद करवा दी हमने ये मेरा किचन छोटा सा हमने बनवाया है पीछे हमारा हर्षु है और हर्षु के साथ रिद्धि नीचे गई मम्मी उसको नहलाने के लिए लेके गई है और रुद्र ऊपर खेल रहा है बालकनी में इसकी आदत क्या है बार बार ना सीढ़ी पर चला जाता है इसलिए हर्षु को खड़ा कर रखा है ये खोलना पड़ेगा ना कैसे आ देसी पिसड़ पट्टी रुद्र आजा ऊपर आजा हमने इस गद्दे को यहाँ पे इस तरीके से पटक रखा अभी रुद्र ऊपर चढ़ रहा है और पिसड़ पट्टी खा रहा है चढ़ जाओ ऊपर यो अब जाएगा नीचे अब पिछलेगा पिछड़ा लो वो गया वो गया वो देख खुद चढ़ेगा खुद चढ़ने दो इसको खुद चढ़ने दो घी चलो ऊपर चढ़ो हाँ ये वेरी गुड ये वो गयो ये हाँ बेटा रिद्धि गियर नहीं लगाना आप बाद में सीख लेना गाड़ी आपकी मम्मी नहीं सीख पाई आज तक आप क्या सीखोगे अभी
हाँ मेरे बेटा को सिखाऊंगा मैं। रुद्र यही रहेगा मम्मी के पास। रुद्र टाटा। मेरे बोलियो इसकी थोड़ी तबीयत खराब हो रखी है। गी गी हम लोग अभी जा रहे हैं झोटवाड़ा, कुछ सब्जी वब्जी लेनी है और निक्कू को ड्रेसेस लेनी है बच्चों के लिए, हर्षू के लिए बिग बाजार से। तो वहाँ हम फिर बिग बाजार भी जाएंगे। तो कहने का मतलब वही है कि आज माँ की शाम पूरी बदनाम, माँ की पूरी शाम बदनाम है आज। यार मौसम गजब हो रहा। नहीं देख दिखाऊं? ओहो देख रिद्धि ने मजा आ रहा है। रुद्र ने चिढ़ा रही है। रुद्र ने चिढ़ा रही है रिद्धि। रिद्धि गलत बात है बेटा, यहाँ रुद्र ने चिढ़ा रही है। मैं जा रही हूँ। हाँ बेटा। हाँ हाँ हमने रिद्धि के लिए एक राजपूती ड्रेस बनवाई थी, बड़ी छोटी सी, बहुत शानदार लग रही थी उसके अंदर रिद्धि। तो वो भी आपके साथ में इसमें शेयर करेंगे, इसी वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में, या उससे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे उसके बारे में पूरी डिटेल्स वगैरह। बहुत मस्त लग रही थी भाई रिद्धि, बहुत मस्त लग रही थी उसमें। हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, वैसे शाम हो चुकी है, मौसम इतना मस्त हो रहा है ना, बारिश वाला, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, हमें बहुत सारे काम है। पहले हम सबसे पहले जा रहे हैं सब्जियां लेने, फ्रूट्स, और जो कि झोटवाड़ा में अच्छा मिलता था। हमारे नियर बाय तो वही है जहाँ सही मिलता है। नियर बाय है झोटवाड़ा, मतलब इससे फिर और भी ज्यादा दूर दूर है, मतलब वहाँ पाते तो फिर मुहाना मंडी है। तो बस वही जा रहे हैं, मतलब करने मिल जाती है। व्यू भी करने बताऊँ किशनगढ़ है, चौबू। हाँ चोमू है पहली तो, मन के तो माती लिया थी चोमू। और बीऊ बीऊ आगे पता कट है बीकानेर पे। बीकानेर में कौन ही भाई साथ हो जाए यानी। तो बस अभी हम पहले सब्जी फ्रूट्स वगैरह लेंगे, उसके बाद निको ऐसा कपड़े लेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे बाहर, है ना अर्शु? आज अर्शु को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे हम। क्यों भाई, आज का स्पेशल ट्रीट है आज की शैतानी कम। आज इसने इसकी भी कमर दबाई थी और मेरी भी कमर दबाई थी। मेरे बहुत बैक पेन हो रहा था, हर्षु ने मेरी भी बैक दबाई थी और इनकी भी। मेरे को इतना रिलैक्स मिला, फिर इन्होंने हर्षु से इन्होंने भी करवाई, और हर्षु को ट्रीट मिल गया। हर्षु हर्षु के साथ साथ मैं भी मोल्डिंग पटाखे ठोक लिया। टाटा टाटा, किसको टाटा कर रहे हो आप? टाटा 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 कर रही। अभी वो भैया जा रहे थे मोटरसाइकिल, हंस रहे इसकी टाटा कर रहे थे। हम लोग पहुंच गए मार्केट। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है पार्किंग की, जो कि हमें मिल गई थैंकफुली, और अब हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ सब्जी ले रहे हैं, ये अपने फेवरेट कांटे वाले बैंगन ले रहे हैं। हर्षु की ड्यूटी लगी है रिद्धि को पकड़ने की। रिद्धु रिद्धा पापा भिंडी भी लोगे? कह रहे लोग पकड़ो मामा यार, खुश हो रहे दोनों। एक टमाटर की चोरी कर लाई। अरे चोरी कर ले आई। तो हमने इतना सब कुछ ले लिया, हर्षु के हाथ भरे हुए, ये पूरी थैली भरी हुई है, इनके पास ये थैली भरी हुई है, और अब एक मेरे पास निकु भाई का हाथ में खराब सामान वो सामान ढूंढ रहे हैं। अब हमारे एक हाथ में जगह बची तो हम खेले ले रहे हैं कि ये भी क्यों छेड़े। तो हम लोग आ गए सब्जी भाई साहब 500 रुपए से भी कम में इतनी सारी सब्जी लेके आए हम। बहुत सारी सब्जी ली, मतलब मेरे दोनों हाथ फुल, इनके दोनों हाथ फुल, हमारे हर्षु का एक हाथ फुल, निको ऐसा का एक हाथ फुल, और एक रिद्धि भी। और इतनी सारी सब्जियां फ्रूट्स, हमने बहुत सारी चीजें ली है जो आराम से हमारे मतलब 15 दिन तो चल जाए। दिन तो नहीं चलेगी, हफ्ते भर तो चल जाएगी। मतलब ज्यादा है यार, हफ्ते भर तो चल जाएगी। हफ्ते में हम 2-3 बार तो बाहर का खा लेते चलेगी। तो लौकी है, पालक है, कटहल है, भिंडी है, फली है। सुने मैं एक और बता रही हूँ, मैं अपना बंदे दुकान ही खोल लिया मैं सब्जी से। अच्छा तो क्या हुआ? लेकिन मेरे को लगा ये जो मटके आते हैं, ये आते हैं गुजरात से, ये वाले अपने यही कई मटके हैं, इसीलिए ये सस्ते हैं और ये महंगा है, पर हम ये वाले ले रहे हैं गुजरात वाले। सही से लिया तो हाँ, आगे ना तो पानी भरेगा।
अभी हम लोग आए हैं वैशाली कुछ खाने, क्योंकि हमारे निकू भाई सबको पसंद है। वैशाली में एक मतलब बग्गी वाले भैया हैं, बर्गर बग्गी है वैशाली में, ठीक है। तो उस बग्गी में बहुत टेस्टी बर्गर मिलता है, हमारी मम्मी वहीं का खाते हैं, उससे बहुत बड़ा इंची बर्गर ऐसा कुछ मिलता है। और तो वही वाला बर्गर निकू से बहुत पसंद है, जब भी आते हैं बीकानेर से हमेशा ये वाला बर्गर जरूर खाते हैं। तो बस इनके भैया यही लेके आए, बोले मुझे बर्गर खाना है, हर्षु भी वही खाएगा और मेरे लिए देखते मैंने एग वगैरह कुछ ऑर्डर किया। तीनों का तीनों दे रहे थे बछीड़ मोमोज गए। हाँ भाई अर्जु कैसा लगा? अरे बता तो सही। अच्छा बोला नहीं जा रहा, इतना अच्छा लगा या बेकार लगा? अच्छा लग रहा है। बड़े लगा और खाना है क्या? एक छोटा सा पिल्ला है यहाँ पे, ये मोटी पहले बोली इसको ब्रेड खिलाओ ब्रेड खिलाओ, ये ब्रेड तो खाया नहीं, वहीं पटक रखा मजा हो नहीं यानी वापिस जा भाई वापिस करो फिसल पट्टी। नहीं उसका छीन रही है गुब्बारा। और भैया लाल देखो अर्शु भैया लिया है। अरे बाप रे हाँ भाई क्या कर रही है क्या बुला रही वो इकट्ठा कर रहा है वहाँ पे भाई, इकट्ठा कर रहा है बहन पे। तू सुना नहीं रहे ना? हाँ मम्मी ने के सारी सब्जियां लगा दी, हमें सारी सब्जी लेके आए थे, खीरे कैरी लौकी करेले भी लाए हैं आज तो, कद्दू लौकी और क्या कटहल पालक और क्या शिमला मिर्च सब कुछ तो ऑलवेज लिया है, सारी सब्जियां लेके आए। और आज हम लोग ये भी लेके आए मटका, भी आपको दिखाया भी था कितना खुश होती है मार के। इतना मोटा आलू थोड़ा मोटा हर फेंक रही थी लगा रहा इतना मोटा आलू को दे बस देख देख। अरे बहुत गुंडी है ये लड़की। बच्चों का क्या बोलते हैं सोने का टाइम, चेंजिंग टाइम, नाइट ड्रेस पहनेंगे डायपर पहनेंगे ठीक है। तो ये बच्चों की डायपर रैश क्रीम, ये नाइट सूट रुद्र ने अपने ऑलरेडी पहन रखा है, बस नीचे पहननी पहनी, और ये बच्चों के डायपर्स ठीक है। तो चलो डायपर ये पहनाते हैं, मैं ड्रेस पहनाती जाती हूँ ठीक है।
और आज पहनेगी हमारी रिद्धि नई नाइट ड्रेस। मैंने रिद्धि के मंगाई थी, रुद्र के लिए जो मंगाई रुद्र ने पहन रखी नाइट ड्रेस, रुद्र के भी दिखाऊंगी। ये रिद्धि की है, रुद्र का। अरे रुद्र वो पकड़ ले नहीं भाई साहब को। रिद्धि रिद्धि छोड़, बाल पकड़ लिया पूरा। रुद्र ने अपना नाइट सूट पहन लिया, रुद्र का नया नाइट सूट है और मंगतों की तरह घूम रहा है। पर रुद्र आराम से पहन लेता है। ये इतनी नाटकबाज है, इसका नाइट सूट यही रखा हुआ है, इसने अभी तक नहीं पहना। जबरदस्ती इसके पापा पकड़ के अब इसको डायपर पहना रहे हैं, फिर मैं इसको नाइट सूट पहनूंगी। तो रिद्धि ने भी अपना नया नाइट सूट पहन लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। रिद्धि देखो गोलू, राधे 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 राधे, अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे मेरा ये था कि मैं दोनों के लिए ना सेम नाइट सूट मंगाऊंगी, रुद्र का भी, बट निकू वैसे कह रहे रिद्धि पे ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, सिंपल सोबल एलिगेंट सा है। मेरा ये था मैं दोनों के लिए सेम मंगाऊंगी, तो ये पर ये कह रहे हैं अलग अलग रहते। ठीक है चलो दे